नमस्कार, मैं उन्नीस अंसारी वॉइस ऑफ महाराष्ट्र न्यूज के साथ में, और आज हम धारावी के अशरफिया मस्जिद के पास मौजूद है। जिस तरीके से ऑल इंडिया मौलाई मिशन द्वारा यहां पर नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी को लेकर के बड़ा हस्ताक्षर अभियान यहां पर चलाया गया था, यहां पर बाबा जान है, हम उनसे कुछ चर्चा जो है करने वाले हैं कि किस तरीके से, जिस तरह से हम बाहर का क्राउड दिखा रहे थे कि जिस तरह से नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी को लेकर के जो है काफी बड़ी संख्या में यहां पर लोगों ने आज हस्ताक्षर अभियान किया। बाबा जान यहां पर है, ऑल इंडिया मौलाई मिशन और सूफी संत है। मैं उनसे एक सवाल जानना चाहता हूं कि बाबा जी, जिस तरीके से सारे लोग आज बड़ी संख्या में मीडिया इंटर कवरेज किया है, लेकिन सवाल एक बात का ये आता है कि गिरफ्तारी की मांग तो सारे ही लोग कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि आपने गिरफ्तारी की मांग करने में काफी डीले कर दिया है? ऐसा है कि डीले नहीं किया है, पूरे हिंदुस्तान में गिरफ्तारी की मांगे अगर हो रही है तो उस पर अभी तक अमल नहीं हुआ है। और हमने जो ये अभी अभियान चलाया, ये अमल के लिए चलाया है। मांग करना अलग चीज है, उसको पूरा करना अलग चीज है। तो हम ये चाहते हैं कि बीजेपी गवर्नमेंट खुद नूपुर शर्मा को अरेस्ट करे। बीजेपी ने अगर उसको पार्टी से निकाला है तो कोई बड़ी बात नहीं। मैं बार बार एक बात ये बोल रहा हूं कि उसको दिल से निकालो और बीजेपी खुद कार्रवाई करे, उसको जेल में डाले, हमारी मांग है। और ये होनी चाहिए पूरी, जब जाके हिंदुस्तान का माहौल ठंडा हो जाएगा और ये लोगों को पता चलेगा कि जिस मोदी की गवर्नमेंट ने कहा था सबका साथ सबका विकास, वो पूरा हो रहा है। बाबा, जिस तरीके से जब हम इस्लाम की बात करते हैं तो इस्लाम कट्टरतावाद का धर्म नहीं है, इस्लाम बहुत सॉफ्ट धर्म है। और जिस तरीके से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब हम बात करते हैं तो एक तबका जो है भारत के अंदर ये भी कह रहा है कि नूपुर शर्मा, रवि जिंदल ने जिस तरीके से माफी मांग ली है, पार्टी से उनको निष्कासित कर दिया गया है, तो अब कहीं ना कहीं मुसलमानों ने वो सॉफ्टनेस हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलते हुए, उन्होंने कचरा फेंकने वालों को माफ कर दिया, उन्होंने तकलीफ देने वालों को माफ कर दिया, तो क्या ये मैसेज नहीं जा सकता कि मुसलमान बड़ा दिल करके ऐसे जो लोग हैं उनको माफ भी किया जा सकता है? देखो ऐसा है, हमने रोड जाम नहीं किया, हम सड़कों पर नहीं निकले, हमने सिग्नेचर अभियान चलाया बड़े मोहब्बत से, क्योंकि हम सूफी संत लोग हैं। हम ये चाह रहे हैं कि अच्छा, गवर्नमेंट अगर इस चीज की जवाबदारी लेती कि दोबारा ऐसा नहीं होगा पूरे हिंदुस्तान में, तो नूपुर शर्मा को अरेस्ट मत करे। चलो हम बड़ा दिल करके उसको अरेस्ट करने नहीं देते, आपने पार्टी से निकाल दिया आपके कहने पर, तो चलो हम छोड़ देते, मगर एक ऐसा कानून बनाओ ना कि कोई भी जात धर्म की अगर कोई बुराई करे तो उसको ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि उसको जमानत ही नहीं होनी चाहिए। ये ऑल इंडिया मौलाई मिशन की मांग है। आप अगर माफ कर रहे हो ना नूपुर शर्मा को, चलो हम बोलते हैं, मगर ये फिर वापस आप हमसे वादा करो कि हिंदुस्तान में दोबारा प्रॉफिट की कोई भी गुस्ताखी या किसी भी जात धर्म के बड़े लोगों की कोई गुस्ताखी नहीं होगी, किसी भगवान की गुस्ताखी नहीं होगी, गुरु नानक की गुस्ताखी नहीं होगी, जैन धर्म की गुस्ताखी नहीं होगी, सिख धर्म की गुस्ताखी नहीं होगी, ईसाइयों की नहीं होगी, हिंदुओं की नहीं होगी, बाबा साहब अंबेडकर की नहीं होगी। आप वादा लो, हम इसके लिए फिर तैयार हैं आपके साथ। तो बाबा अजान, ये जिस तरीके से मिशन तो पूरे भारत के अंदर चल रहा है, गली मोहल्लों में चल रहा है, जिसके लिए काफी सारी बातें चल रही है, लेकिन इस मिशन को, हस्ताक्षर अभियान को आज धारावी में लेने का क्या उद्देश्य है? देखो, पहली बात तो जामिया जो अशरफिया मस्जिद है, ये मौलाइयों की मस्जिद है पूरे मुंबई में, ये सूफी संतों की मस्जिद है, क्योंकि इस मस्जिद में जो ट्रस्ट है, ट्रस्ट में एक हिंदू है जिसका नाम गणेश है। ऐसा पूरे हिंदुस्तान में कोई मस्जिद आपको नहीं मिलेगी जिसकी मस्जिद में कोई हिंदू भी हो। तो सूफी संत का काम है हिंदू मुसलमान को लेकर चलना, और ये मस्जिद हमारी है, मौलाइयों की हुसैनियों की मस्जिद है। हमने अपनी मस्जिद से, अपने घर से शुरुआत की है, और ये शुरुआत हमने मोहब्बत के साथ की है, अमन के साथ की है। अगर हमारा कोई और मंशा होता तो हम रोड पे उतर जाते। हमने बड़े प्यार से किया, आपने खुद देखा है, पुलिस ने हमको सपोर्ट किया है, हम पुलिस के साथ रहे, मीडिया ने हमारा सपोर्ट किया, हम मीडिया के साथ खड़े रहे। तो हमारा मकसद है कि आप नूपुर शर्मा को अरेस्ट करो और एक ऐसा कानून बनाओ। ये ऑल इंडिया मौलाई मिशन चाहती है कि ऐसा कानून बने कि कोई भी जात धर्म की कोई बुराई नहीं कर सके। ये बहुत बड़ी बात है कि जिस तरीके से लोग इस्लाम धर्म की सॉफ्टता को लेकर के बातें तो करते हैं, लेकिन उसी के साथ साथ कहीं ना कहीं जिस तरीके से बाबा जान ने कहा कि ठीक है, मुस्लिम धर्म जो है सॉफ्ट है और उसको माफ भी किया जा सकता है, लेकिन क्या हिंदुस्तान में फिर ऐसे बातों का उत्पन्नता नहीं होगी क्या? लेकिन ऐसा नहीं है, लोग ये चाह रहे हैं कि ये चीजें ना हो, दब नफरत ना पहले और इस तरीके की विवादित बयान ना दिए जाए। लेकिन एक ऐसा मान के चलिए कि भारत के अंदर एक फैशनेबल तरीका हो गया है कि एक चुप होता है तो दूसरा उससे बड़ा खड़ा हो जाता है, कोई हुसैन को लेकर के बात करता है तो कोई नबी को लेकर के बात करता है। अभी पिछले दिनों जब हम देख रहे थे मां आयशा को लेकर के, उनकी शादी तक लोग पहुंचने का काम कर रहे हैं, लेकिन ये एनालिसिस करने की जरूरत है कि समाज के अंदर जो सदियों से चला आ रहा है, अगर समाज के धागे दोरे को बांध करके लेकर के चल रहा है, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से आज पूरे भारत के अंदर ये डिमांड्स की जा रही है कि
चाहे वो किसी का भी धर्म गुरु हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन कोई भी हो, लेकिन किसी धर्म गुरु के लिए कोई अपशब्द का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। क्या इसके लिए भारत सरकार सजग होगी? क्या भारत सरकार इसके लिए कोई कानून लाने का प्रावधान करेगी? देखते क्या आने वाले दिनों में, जिस तरीके से ऑल इंडिया मौलाई मिशन के बाबा जान ने जो एक बात रखी, एक डिफरेंट बात रखी है बड़ा दिल करके, देखते कि सरकार उस पर किस तरीके से विचार करती है और किस तरीके से आगे इसका एक निर्णय लगता, कहीं रुकने का नाम लेता है नहीं लेता है, उस पर भी हम चर्चा करते रहेंगे। बाबा जी, आपने आज के हस्ताक्षर अभियान को लेकर के और नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी को लेकर के और जिंदल की गिरफ्तारी को लेकर के बात की, उसके लिए थैंक्स और धन्यवाद। मैं आपके चैनल पर